दो मैच, दो इत्तेफाक और कई उलझे सवाल। आईपीएल 13 में शनिवार को दो मैच खेले गए। दोनों मैच अलग अलग मैदान और अलग अलग टीमों के लिए हुए, लेकिन इत्तेफाक से दोनों ही मैचों में टॉस और पहले गेंदबाजी करने वाली टीम के बॉलरों के दबदबे से लेकर नतीजे तक कई समानताएं दिखी। इनकी वजह से प्लेऑफ की लगातार उलझती जा रही पहेली थोड़ी और मुश्किल, थोड़ी और दिलचस्प हो गई है। मुंबई इंडियंस की पारी का 14वां ओवर, ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने छक्का जड़ा और मुंबई इंडियंस को दिल्ली कैपिटल्स पर जीत दिला दी। ईशान ने छक्के के साथ मुंबई इंडियंस ने प्लेऑफ के पहले क्वालिफायर में जगह पक्की कर ली। सनराइजर हैदराबाद की पारी का 14वां ओवर, ओवर की पहली ही गेंद पर जेसन होल्डर ने छक्का जड़ा और हैदराबाद के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर जीत दिला दी। होल्डर ने छक्के ने सनराइजर हैदराबाद के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद मजबूत कर दी। साथ ही ये भी तय कर दिया है कि प्लेऑफ की तस्वीर आखिरी लीग मैच में तय होगी, यानी आईपीएल 13 का आखिरी लीग मैच भी रस्मी नहीं होगा, लेकिन नतीजे पर फैंस और दूसरी टीमों की भी नजरें होंगी। लीग राउंड के आखिरी यानी 56वीं मैच में हैदराबाद की टीम का मुकाबला शनिवार का पहला मैच जीतने वाली मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच लगातार 3 नवंबर को शारजहां के मैदान पर ही होगा। मुंबई की टीम तो 5 नवंबर को होने वाले क्वालिफायर की टिकट पक्की कर चुकी है, लेकिन उसकी टक्कर किसी टीम से होगी ये अभी तय नहीं हुआ है। बेंगलोर की टीम हैदराबाद के खिलाफ दम दिखा पाती तो उसकी राह आसान हो जाती। दिल्ली के पास भी मौका था, लेकिन शनिवार को वो भी पहले टॉस और फिर मैच गवा बैठी। बेंगलोर की ही तरफ से अगले बल्लेबाज भी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। गेंदबाज का स्कोर बोर्ड पर इतने रन ही नहीं मिले कि वो मैच में कोई जान डाल पाते। अब पहले क्वालिफायर की दूसरी टीम बनने के लिए दिल्ली और बेंगलोर के बीच कड़ी टक्कर होगी। फिलहाल दोनों ही टीमों के खाते में 14-14 पॉइंट्स हैं। बेंगलोर की टीम बेहतर रन रेट के आधार पर पॉइंट टेबल में दूसरे और दिल्ली तीसरे नंबर पर है। इन दोनों टीमों का मुकाबला सोमवार को अबूधाबी में होगा। जो टीम जीतेगी वो मुंबई से क्वालिफायर मुकाबला खेलने का हक हासिल कर लेगी, लेकिन हारने वाली टीम को प्लेऑफ में जगह मिलेगी या नहीं यह तय नहीं है। वजह यह है कि चौथे से सातवें नंबर पर मौजूद टीमें यानी कि हैदराबाद किंग्स इलेवन पंजाब, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स सभी के खाते में 12-12 पॉइंट्स हैं। ऊपर से नीचे के पायदान का फर्क सिर्फ रन रेट की वजह से है। सभी टीमों को एक एक मैच और खेलना है, यानी आधिकारिक तौर पर सबके पास प्लेऑफ में पहुंचने के मौके हैं। किसी के पास आसान मौके हों तो किसी के पास मुश्किल हालात के बीच से रास्ता निकालना है। मसलन 12 पॉइंट के साथ पांचवें नंबर पर मौजूद किंग्स इलेवन पंजाब अगर रविवार को अपने आखिरी मैच में प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, चेन्नई सुपर किंग को हरा देगी तो प्लेऑफ का टिकट हासिल कर लेगी। लेकिन याद रखना होगा, चेन्नई ने अपने पिछले दोनों मैच दमदार तरीके से जीते हैं। कोलकाता और राजस्थान के बीच रविवार को होने वाले मैच का नतीजा भी एक टीम को बाहर का रास्ता दिखा देगा, लेकिन आखिरी तौर पर सबसे दिलचस्प मुकाबला बेंगलोर और दिल्ली के बीच माना जा रहा है। ये दोनों टीम आईपीएल 13 में लगातार टॉप टीमों में शुमार रही हैं, लेकिन आखिरी पड़ाव आते आते दोनों की लय बिगड़ गई है। बेंगलोर की टीम लगातार 3 मैच से हार का झटका झेल चुकी है, तो दिल्ली ने लगातार 4 मैच गंवाए हैं। बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली को भी अंदाजा है कि आखिरी मैच में क्या होने जा रहा है। कोहली कहते हैं कि ये जोरदार मुकाबला होगा। दोनों ही टीमों के खाते में 14 पॉइंट्स हैं। स्थिति सीधी सी है, आखिरी मैच जीतो और पहली दो टीमों में जगह बनाओ। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि बेंगलोर तेज तर्रार कप्तान कोहली के लिए ये मैच एक और वजह से अहम हो सकता है। वो दिल्ली के हैं और रणजी ट्रॉफी से दिल्ली के लिए ही खेलते रहे हैं और आखिरी मैच में उन्हें दिल्ली से ही भिड़ना है। लेकिन विराट कोहली के मुताबिक इस मामले में उनकी सोच साफ है। वो कहते हैं, जब आईपीएल की बात आती है तो मैं हमेशा से बेंगलोर का लाडला हूँ और अभी भी दिल्ली की तरफ से नहीं झुका। आप ये भी जानते होंगे कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर क्या सोच रहे हैं।
बेंगलोर के खिलाफ मैच को लेकर अय्यर का कहना है कि हमें निडर होकर खेलना है, हमें भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम 4 मैच से भले ही पिट रही हो, लेकिन टूर्नामेंट में अरसे तक इस टीम ने अपना लोहा मनवाया है। बहरहाल अय्यर भले ही भविष्य के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन शनिवार को बेंगलोर को चित करने वाली हैदराबाद टीम के कप्तान डेविड वार्नर को ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं दिखती है। वो कहते हैं कि अगले मैच में ही हमारे लिए करो या मरो की स्थिति होगी, लेकिन हमारे पास आईपीएल जीतने का मौका है। साल 2016 में भी हमें आखिरी 3 मैच जीतने थे। 2016 में सनराइजर हैदराबाद ने आईपीएल का खिताब जीता था, लेकिन वार्नर को याद रखना होगा कि आईपीएल 2020 है और इस साल खेले जा रहे आईपीएल 13 में वो कुछ नहीं हो रहा है, जिसका अनुमान ज़्यादातर लोग लगा रहे हैं। समीकरण उलझ रहे हैं, इसलिए आखिरी लम्हों तक तमाम टीमों के पास उम्मीदें सजोने के मौके हैं। आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।